मैं तो अपना जा रही थी चुपचाप, उन्होंने ही बात शुरू की। बात करना भी गुनाह हो गया, कमाल है। अब आदमी करे तो करे क्या? हुआ क्या, ठीक से बता। लंच टाइम हुआ तो मैं टिफिन लेकर आ रही थी, संतोष जी सामने से चलकर आए और मेरा रास्ता रोक लिया। अब रास्ता थोड़ी बदल लेंगे क्योंकि सामने से लेडीज आ रही है, एक ही दफ्तर में काम करते हैं भाई, ये तो होगा। मैंने देखा उसके हाथ में खाने का डब्बा है तो मैंने पूछ लिया, आइए आज साथ में लंच करते हैं। बस इतना सा तो बोला। कुछ बोला क्या? पहले बोला कि ये रंग काफी जच रहा है आप पे। फिर बोला आइए साथ में लंच करते हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था पर मैंने उन्हें आराम से मना किया। मैं मनीषा के साथ लंच करती हूँ, शायद उनको बुरा लग गया। अब बुरा तो लगता ही है ना, ऐसा भी क्या है, उससे 3 साल पहले से हूँ इस दफ्तर में, रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है यार। रिस्पेक्ट अपनी जगह है। मैं समय पर अपना काम खत्म करती हूँ, सुबह टाइम पर आती हूँ, एक आध घंटा एक्स्ट्रा भी रुकी हूँ मैं कई बार, और मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। जाने लगी तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखने वाली लड़कियां काम कर चुकी हैं इस ऑफिस में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये किस तरह की बात है? बात क्या है ना, ये सर पे चढ़ जाती हैं। अब लेडीज समझ के हम इनको डांटते फटकारते नहीं तो इनको लगता है ये ज्यादा टॉप में, और ऐसा कुछ तो बोला भी नहीं मैंने, मुझे लगा डर गई शायद, तो मैंने हंसकर समझाने की कोशिश की। अरे स्मिता जी और मैडम लोग भी हैं इस ऑफिस में, हम लोग कई बार साथ में बैठ के लंच करते हैं, तो इतना सोचिएगा मत इस बारे में। इतना सा बोला तो मुंह बना लिया, घूर के निकल गई वहां से। मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मजाक के नाम पे कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। अब स्मिता, वैसे इससे पहले कभी संतोष जी के बारे में ऐसा कुछ सुना तो नहीं है, हो सकता है तुझे ही गलत लग रहा हो, मेरा मतलब सोच ले एक बार। सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो, जो हुआ वो गलत था या नहीं, गलती से था या नहीं, या हुआ भी या नहीं, सच तुम जानती हो, सोचो मत। स्मिता जी सब ठीक है ना? ठीक तो नहीं है लेकिन हो जाएगा।